रिलीज होने जा रही है टाइगर 3। इमरान हाशमी कैसे धमाका मचाने को तैयार है इस फिल्म से और आखिर क्यों इमरान हाशमी से नफरत करती है ऐश्वर्या राय। हेलो फ्रेंड्स, आप देखिए बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं सोनिका जॉय। दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की दीवा है और भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला में से एक है। इन दोनों का किस्सा यानी कि इमरान और ऐश्वर्या का किस्सा बहुत ज्यादा दिलचस्प है। उससे पहले आपको बता दें कि टाइगर 3 में इमरान हाशमी विलन का किरदार करने वाले, यानी एक तरफ होंगे सल्लू भाईजान तो दूसरी तरफ होंगे वन एंड ओनली इमरान हाशमी। दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा तगड़ी है और इमरान का भी एक सपना हुआ करता था कि वो सलमान के साथ काम करे, तो ये फाइनली पूरा होने जा रहा है। इमरान हाशमी का लुक भी सामने आया था, एक हल्की सी झलक उनकी दिखाई गई जिसमें काफी ज्यादा स्टनिंग इमरान लग रहे हैं। और विलन का रोल होगा तो फाइटिंग तो होगी, यानी कि धमाकेदार फाइटिंग देखने को मिलेगी इमरान हाशमी और सल्लू भाईजान की। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐश्वर्या राय बच्चन इमरान हाशमी से क्यों नफरत करती है। इमरान तो कभी कॉन्ट्रोवर्सीज में रहते ही नहीं है, लाइमलाइट से उन्हें दूर रहना पसंद है, तो अचानक हो क्या गया। तो दोस्तों आपको बताते हैं, ये किस्सा 2014 का है जिसमें करण जौहर के शो में पहुंचे थे इमरान, और करण के शो में जो पहुंचता है वो कॉन्ट्रोवर्सी में ना फंसे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर रैपिड फायर राउंड वहां पर हो रहा था जिसमें करण ने इमरान हाशमी के सामने कुछ चीजों के नाम लिए जिसका नाम सुनते ही इमरान हाशमी के जहन में जिसका नाम आता वो बोलना था। इस सवाल पर करण जौहर ने कहा प्लास्टिक, तो इमरान हाशमी ने तुरंत बोल दिया ऐश्वर्या, जिसका मतलब था कि ऐश्वर्या राय की जो खूबसूरती है वो असली नहीं बल्कि प्लास्टिक की तरह है। अब इतना बड़ा बयान इमरान ने दे दिया था, वो भी विश्व सुंदरी पर, तो फिर लोग तो चिढ़ते ही, जहाँ ऐश्वर्या राय के चाहने वाले बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे वहीं खुद ऐश्वर्या को ये बात अच्छी नहीं लगी। बाद में एक इंटरव्यू में इमरान ने साफ किया कि मैं बहस गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए ऐसा बोल रहा था, मेरे मुंह से अचानक निकल गया, लेकिन ये बात ऐश के दिल में चुभ गई और इसीलिए इमरान को कभी माफ नहीं कर पाए। इस शो के बाद एक ऐसा मौका भी आया जब इमरान हाशमी ऐश्वर्या राय के साथ काम कर सकते थे। ये साल 2017 में आई फिल्म बादशाहों की बात है। ये फिल्म पहले ऐश्वर्या को ऑफर की गई थी, लेकिन ऐश्वर्या को जब पता चला कि इसमें इमरान हाशमी होने वाले तो उन्होंने तुरंत मना कर दी, जिसके बाद इस फिल्म में अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज को लिया गया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसके बाद एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे इमरान हाशमी, एक के बाद एक असफल फिल्में उनकी आई, लेकिन बाद में इमरान तो इमरान है, एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने दी ही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि अब टाइगर 3 से धमाका मचाने को तैयार है इमरान। आप कितना वेट कर रहे हैं टाइगर 3 का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।